हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र मंत्री ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा मोदी ने बढ़ाया देश का मान, कांग्रेस ने फैलाई केवल भ्रांतियां। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है। ये बात उन्होंने शुक्रवार को जोधपुर संसदीय क्षेत्र के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही। मंत्री शेखावत आगुलाई बालेसर एवं देचू में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के बूथ संपर्क अभियान के कार्यक्रमों में शामिल हुए और आम जन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा। जोधपुर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सुबह सबसे पहले आगुलाई पहुंचने पर भाजपा देहात के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा जोधपुर देहात के बूथ संपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ व देहात अध्यक्ष मनोहर पालीवाल के साथ आगुलाई में मोदी पत्र सौंपा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इसके बाद शेखावत ने बालेसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को पत्र सौंपे। इस दौरान जोधपुर देहात अध्यक्ष मनोहर पालीवाल, अभियान के देहात प्रभारी करण सिंह गोगदेव, जसवंत सिंह इंदा, पूर्व प्रधान भवर सिंह इंदा, पप्पू सिंह सहित मंडल अध्यक्ष सरपंच साथ रहे। बालेसर में महर्षि गौतम सर्वजनी सभा भवन में शेखावत का स्वागत किया गया। इससे पहले मंदिर में महर्षि गौतम की पूजा अर्चना की पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भवर सिंह इंदा, बाबू सिंह, मनोहर पालीवाल ने विचार व्यक्त किए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जरूरतमंद महिलाओं को राशन सामग्री की किट वितरित की। रेलवे स्टेशन के यार्ड में किया पौधारोपण। केंद्र मंत्री शेखावत ने शेरगढ़ दौरे पर रवाना होने से पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे यार्ड के पास पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमरदास और बिल्व पत्र के पौधे लगाए। वहां पर पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सुराणा, पूर्व जिला मंत्री विजय रजौरिया, जसवंत सिंह इंदा, डीआरएम आशुतोष पंत सहित रेलवे के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से रिपोर्ट।